हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे सिंपल बर्थडे केक डेकोरेशन। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको देखने में जैसे लग रहा है ब्लू कलर का लोटस फ्लावर, तो इसको कोई भी बिगिनर्स भी बना के रेडी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करें। इसको बनाने के लिए मैंने एक ब्लू कलर का स्पॉन्ज केक रेडी कर लिया, उसको थोड़ा ठंडा कर लिया। उसके बाद हम लोग बेकिंग ट्रे से निकालेंगे। अब देखिए, मैंने सिंपल 5 मिनट्स में इसको बेक किया माइक्रोवेन में। मैंने बहुत सारे टाइम में बहुत सारे वीडियो अपलोड किया, जैसे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मालूम है मैं स्पॉन्ज केक का बहुत सारे वीडियो अपलोड किया, जिसको बनाने में ओनली 5 मिनट्स लगते हैं माइक्रोवेन में। जैसे खाना गर्म करते हैं उसमें ही कर सकते हैं, जैसे कोई सेटिंग वेटिंग का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देखिए बहुत ही अच्छा स्पॉन्ज केक बन गया। अभी इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड बहुत सावधानी से करना है, जैसे इक्वल होना चाहिए दोनों पार्ट्स। तो और भी सजाने में बहुत ही मज़ा आएंगे और बहुत ही परफेक्ट बनेंगे, तो इसीलिए ट्राई कीजिए। दोनों पार्ट थोड़ा सा सही होना चाहिए। तो अब देखिए मैंने दोनों पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। देखिए इतना अच्छा स्पॉन्ज केक बन के रेडी हो गया ना। तो अभी देखिए नीचे वाला पोर्शन में मैंने थोड़ा सा शुगर सिरप अप्लाई करूँगी। शुगर सिरप में थोड़ा सा मैंने ब्लू कलर का फूड कलर ऐड किया, जैसे इसको कलर और भी थोड़ा सा ब्राइट हो जाएंगे। नॉर्मल देंगे तो उसको कलर थोड़ा सा डल हो जाते हैं, इसलिए मैंने ब्लू कलर का शुगर सिरप ऐड किया। करके इसको थोड़ा साइड में रख दिया और सेकेंड पोर्शन को मैंने थोड़ा सा ट्राइंगल शेप में काट लेंगे। अब देखिए इसको बहुत ईजी है, जैसे लोटस का पेटल होती है ना, तो उसी हिसाब से मैंने कटिंग कर रही हूँ। तो जो भी बिगिनर्स हैं वो भी इसको आसानी से रेडी करके एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सिंपल तरीका दिखा रही हूँ। अब देखिए सो लोटस का पेटल जैसे है ऐसे ही मैंने कटिंग कर लिया। कटिंग करके इसको मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसके बाद मैंने स्मॉल चॉकलेट्स बनाया। अब देखिए मिनी चॉकलेट बार बनाए। इसको देखिए मैंने डेकोरेशन करूँगी, क्योंकि बर्थडे केक है तो उसको थोड़ा सा चॉकलेट्स तो चाहिए। और एक चॉकलेट स्लैब्स बनाई, जिसका ऊपर स्लैब के ऊपर थोड़ा सा मैंने स्प्रिंकल ऐड किया। केक डेकोरेशन का जो स्प्रिंकल मिलती है उसको मैंने ऐड किया। तो इसको थोड़ा सा सिंपल आप ऐसा ही तोड़ दीजिए, जैसे ज़्यादा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने आलमंड बादाम लिया और वॉलनट्स लिया। मैंने कैलिफोर्निया वॉलनट्स बादाम लिया, जिसको मैंने अभी अनपैक कर रही हूँ। आप देखिए कितना अच्छा से पैक होके आते हैं, देखने में भी बहुत ही फ्रेश लग रही है। तो इसको मैंने केक में डालूँगी। आप चाहे तो कोई भी नट्स डाल सकते हैं, आपको जो पसंद है, और नहीं तो चॉको चिप्स भी डाल सकते हैं। चॉकलेट को जो चिप्स मिलते हैं वो भी, और चॉकलेट ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने 2 टाइप का नट्स यूज़ किया, इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आया। तो आप जो मर्ज़ी आप कर सकते हैं। तो आप देखिए आप नट्स को चाहे तो आप थोड़ा सा फ्राई भी करके डाल सकते हैं, मैंने फ्राई नहीं किया। तो आप देखिए ऐसा इसको मैंने बोल में ट्रांसफ़र करके रखा, और मैंने चॉकलेट व्हिप्ड क्रीम रेडी करके रखा था उसको भी। मैंने व्हिप्ड क्रीम भी बहुत बार देखा है, इसलिए इस बार नहीं देखा है, तो टाइम ज़्यादा हो जाते थे, तो इसलिए पूरा नट्स को मैंने व्हिप्ड क्रीम के साथ अच्छा से मिक्स कर रही हूँ। आप देखिए इसमें मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। मैंने अभी वो जो चॉकलेट सिरप डाल के जो रखा था केक का आधा पोर्शन, उसका ऊपर मैंने डाल रही हूँ पूरा व्हिप्ड क्रीम। अब देखिए इसमें देखने में कितना यम्मी लग रहा, बहुत ही टेस्टी है, सब लोग बहुत इंजॉय करेंगे। इसका नया टाइप का स्टाइल का ये केक मैंने डेकोरेशन दिखा रही हूँ, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। घर घर में किसी का बर्थडे है, कोई एनिवर्सरी है, कोई भी ओकेशन में आप लोग बना के रेडी कर सकते हैं। आप देखिए इसके बाद मैंने जैसे पेटल काट के रखा था उसका इसके ऊपर ऐसा डाल देंगे, लेकिन क्रीम थोड़ा सा हीप करके डाला, थोड़ा सा इसी स्टाइल में ही डालिए, मैंने जैसे डाली वैसा। इसके बाद मैंने पूरा पेटल को ऐसा आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर बैठा देंगे। अब देखिए देखने में कितना अच्छा लग रही है ना। एक सिंपल
स्टाइल है लेकिन देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रही है, तो मैंने घर में बनाई थी इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप ज़रूर बनाइए और एंजॉय कीजिए। आप देखिए बनाना बहुत ही आसान है, जो भी चाहे घर में कोई भी टाइम पे आप लोग बना के इंस्टेंट भी रेडी कर सकते हैं। चॉकलेट्स तो आप ऐसे ही मैंने बनाना बहुत बार देखा है, आप वो भी वीडियो देख ले सकते हैं, नहीं तो ऐसा तो सिंपल कर सकते हैं। अब देखिए हमारा डेकोरेशन रेडी हो गई, सिंपल बट एलिगेंट है। आप कोई भी टाइम पे बना के इंजॉय कीजिए और मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। और जो मिनी चॉकलेट्स मैंने बनाई थी उसको हम लोग लोटस फ्लावर का साइड से दे रही हूँ। अब देखिए तो कितना अच्छा लग रही है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।